सूरा सो पहचानी जो लरे दीन की हेत, पुर्चा पुर्चा कत मरे कभू न छाड़े खेत। सब तो पहला सबनों सत श्री अकाल जी आया नो। मेरा नाम हिमांशु खारू है, मैं जिला हुशियारपुर पंजाब के निवासी हाँ। हुण आपां शुरुआत करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का नाम सुनते ही सब दे मन च कुछ शब्द आ जाते हैं, जिमें कि बलिदानी, शहीदी, कुरबानी, निरभौता अते होर भी बहुत सारे। गुरु जी ने मनुखता दे भले ने जो कुरबानी दी, साढ़े जे निमाने मनुख उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। हुण असी गुरु जी की जीवनी बारे गल करते हाँ। गुरु जी सिखा दे नौवें गुरु हैं। उन्हां दा जन्म सिखा दे छेवें गुरु हरगोबिंद जी दे घर बीबी नानकी जी दे कुखों होया। उन्हां दा असली नाम त्यागमल सी। हरगोबिंद जी ने अपनी गद्दी उन्हां नूं इस करके नहीं दित्ती क्योंकि गुरु जी का ज़्यादा रुझान अध्यात्म वल सीगा। पर गुरु हरकृष्ण जी ने अपने अंतिम समय ते अपने अगले पातशाही का नाम तो नहीं दस्या, पर संगत नूं इह हिदायत जरूर दे दित्ती कि बाबा बसे ग्राम बकाले। इह सुणदे ही बहुत सारे लोग लगभग 22 ढोंगी मनुख बकाले जाके गुरु बन बैठे। पर फिर प्रश्न यही उठा कि इसका हल किदा कढ़िया जाए। इस समस्या का हल मक्खन शाह लुभाना जी ने कढ़िया। उन्होंने उची उची रौला पा दिता, गुरु लाधोरे गुरु लाधोरे। बाबा बकाले तो बाद चो गुरु तेग बहादुर जी किरतपुर गए और उत्थे दे राजे तो जमीन लैके नवा नगर बसाया जिसका नाम अनंदपुर साहब जी रखिया। उस समय दे समाज विच मुसलमान हिंदुआं ते बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रहे सी। इस चीज़ नूं रोकण लई गुरु जी ने चारा दिशावां दे विच यात्रा कीती अते लोकां च धर्म दा प्रचार कीता। औरंगजेब दे हुक्म करके कश्मीर दा सूबेदार कश्मीरी हिंदुआं ते बहुत ज़्यादा जुल्म करता पिया सी अते उन्हां नूं जबरदस्ती मुसलमान बना रहा सी। इस चीज़ की अरदास लैके वह गुरु जी कोल पहुंचे। गुरु जी ने कहा तुहानू किसे महान आदमी की बलिदानी की जरूरत है। ये सुन के गुरु जी के छोटे बेटे गुरु गोबिंद राय जी ने कहा पिता जी तुहाड़े तो ज़्यादा महान होर कौन हो सकता है। ये सुन के गुरु जी अपने साथियों के नाल दिल्ली चल पे। गुरु जी नू रस्ते विच गिरफ्तार कर लिया गया अते चांदनी चौंक च उन्हां ते बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए गए। पर गुरु जी तस तो मस नहीं हुए, उन्होंने अपना धर्म नहीं बदलिया। उन्होंने साथियों नूं बहुत ज़्यादा पीड़ावां दित्तियां गईयां। किसी नूं भाई मती दास जी नूं चीरे नाल चीर दिता गया। भाई दयाले जी नूं उबलदी देग विच बाल पा के शहीद कर दिता गया। फिर भी गुरु जी अटल रहे अते जल्लाद ने उन्हां दा सिर धड़ तों अलग कर दिता। जिथे जाके उन्हां दा सिर गिरिया उत्थे अज सीसगंज गुरुद्वारा है। जिथे उन्हां दा धड़ दा संस्कार किया गया उत्थे रकाबगंज गुरुद्वारा। गुरु जी साहित्य विच भी माहिर सी, ओ एक महान कवि सी। उन्हां दीआं बहुत सारीआं रचनावां भी गुरु ग्रंथ साहिब विच शामिल है। उन्हां विचों एक इंज है, चिंता की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मारक संसार में नानक थिर नहीं होए। अते एक होर रचना है, बाह जिनादी पकड़िए सिर दीजे पर बाह ना छोड़िए। गुरु जी दीआं रचनावां मनुखां नूं बहुत ज़्यादा सिख्यावां दे के जांदीआं हन। उन्हां दा कहना सीगा कि मनुख भावें कुछ भी भुल जावे पर उसनूं परम पिता परमात्मा दा नाम कदी नहीं भुलना चाहीदा। उठदे बैठदे सौंदे जागदे साह दे नाल नाल भी उसनूं परमात्मा दा नाम सिमरन करना चाहीदा है। परमात्मा दा नाम सिमरन ही उसका असली खजाना है। हुण मैं अपने शब्दां नूं विराम दिन्नी हाँ एक कविता दे नाल। मारे तमगजे गुरां नूं कैद कीता, ओह तां प्रगटे तेग दी धार विचों, उहनूं छलां ने भला है रोकणा की, बेड़े कढणे जिने मझधार विचों। पिछे आउंदियां नूं नेरी रात अंदर, दीवे धर्म दे ओह जगा गए ने, दीवे धर्म दे ओह जगा गए ने, धर्म लई अपनी बली देण वाला पिता वालड़ा वचन पुगा गए ने। धन्यवाद।